उम्मीद है आप बतौर एक सीनियर वकील कानूनदान कि आप लोगों को जमानत मिल सकती है जुमेरात के दिन? नथिंग शॉर्ट ऑफ 100%। थैंक यू वेरी मच। कहीं पर भी कोई रुकावट या कोई दिक्कत एक्सपीरियंस नहीं की। मैं केस के मैरिट्स के ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मामला बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सब जूडिस है और इसकी मजीद समात पार्ट हर्ड होके अब थर्सडे के लिए ये प्रोसीडिंग्स एडजर्न हो गई हैं। थर्सडे को यहीं से रिज्यूम किया जाएगा 2:00 PM और जमानत पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। सो आज की हियरिंग में हम बहुत सेटिस्फाइड हैं कि जो पॉइंट्स हमने आज रेज करने थे वो सेटिस्फेक्टरीली हम करने में कामयाब हुए। सलमान साहब, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक बड़ा स्ट्रिक्ट कानून है और ये बड़ा पुराना कानून है, जैसे आपने अपने दलाल में भी कहा। आप कितना उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि ये जमानत आसानी से आपको मिल जाएगी क्योंकि कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है? देखिए, जिस केस में 3 प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट हुए हों, इसका मतलब यही है कि बहुत कुछ संभालने की जरूरत है। जिस केस को ओपनली ना ट्राई किया जा रहा हो और जेल के अंदर जो उसका सीक्रेट प्रोसीडिंग्स चल रही हो, ये बेस्ट इंडिकेटर्स हैं कि इसके केस खोखला है। इस केस में रिमांड ना दिया जाए, इससे पहले कभी कोई प्राइम मिनिस्टर, कभी कोई फॉरेन मिनिस्टर, ये बड़े ये फॉरेन क्वालिफाइड सीजन एक्सपीरियंस्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ मेरा इशारा है, तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। और सारे का सारा जो कानून है वो है एनिमी स्टेट के साथ ताबून करने के। यहाँ पर ये कानून जो है दुश्मन मुल्क के लिए इसको रिजर्व किया गया है, आर्म फोर्सेस की प्रोसिक्यूशन के लिए, मगर यहाँ पर इसको पॉलिटिकल एनिमीज इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और एक सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, जो कि बड़ी वाजे और ये बात अब सब पे यहाँ है कि अब तक तकरीबन खान साहब के ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे हर FIR में उनकी जमानत मिल चुकी है। सर, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की अगर बात कीजिए, क्या इससे कबल भी नज़ीर हैं होंगी शायद कि दोनों जगह एक साथ केस चल रहा है, तो लोअर कोर्ट को थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, इसमें कानून क्या करना चाहिए? आज जब ये कानून पढ़ा है, देखें, सब्र का मुजाहरा तब हो जाता है जब एक जमानत पर फैसला हो जाता है तो काफ़ी हद तक गुब्बारे में से हवा निकल जाती है, केस की बैकबोन टूट जाती है। सो हमारा पूरा फोकस इस जमानत पर है और अपनी जमानत चूंकि सुनना आइडियली इसका फैसला आज ही आ जाता तो बहुत ही मुनासिब होता कि प्राइम मिनिस्टर के की डिटेंशन पे और फॉरेन मिनिस्टर की डिटेंशन पे अदालत अपना फैसला आज ही सुनाती, मगर अब हम जज साहब ने अगर आज मुनासिब समझा कि आज इतने ही आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी हैं, चूँकि वो सुबह मैं शुरू करूँगा 9 बजे से काम कर रहे होते हैं, 4 बजे तक केस सुनना क्योंकि एग्जॉस्ट होना एक नेचुरल फिनोमेना है, मगर बेहतर था कि तसलसल के साथ आप कल सुबह से शुरू करते, मगर कोई बात नहीं, हम कल की बजाय जैसे जज साहब ने हुक्म फरमाया कि आप जुमेरात को अपने आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट करें, हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी, विद इन 30 मिनट्स हम अपने सबमिशंस कंप्लीट करेंगे, समाप्त करके आप अपना सवाल पूछें। जी सलमान सफदर साहब, आप टीम के हेड हैं और इमरान खान साहब की 9 केसेस में जमानतें हो चुकी हैं, 2 केसेस ऐसे हैं नैब के तोशाखाना और जो अकादर ट्रस्ट केस है उसमें जमानत 10 अगस्त से खारिज होने के बाद अभी कुछ पिछले दिनों में अप्लाई की गई, इतना अरसा दरख्वास्त अप्लाई जमानत ना करने के पीछे क्या हिकमत है? मुझे इसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है क्योंकि साइफर में अगर जमानत देर से मिलती है या नहीं मिलती तो उन केसेस में गिरफ्तारी का खर्चा भरपूर है इस वक्त। देखिए, वो केसेस जो 2 केसेस हैं वो मैं हैंडल नहीं कर रहा, मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है कि मैं इतने सारे मुकदमात में मैं अकेला पेश हूँ। लाहौर भी केसेस हैं, मुख्तलिफ शहरों में भी हैं, इस्लामाबाद में भी कंबार लगा हुआ है केसेस का। सो उन केसेस में मुझे ये पता है कि आज नोटिसेस हो गए हैं केसेस में और चूंकि एक फैसला आ गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो हम उम्मीद करते हैं कि वही फैसला फॉलो होगा उन केसेस में भी। पहले फाइल हो जाती तो मुनासिब था, बेहतर था, मगर अभी भी वो आ गई हैं तो उन पर नोटिसेस चूंकि हो चुके हैं, वो केसेस भी मेरिट्स पर ही डिसाइड होंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। ये 9 मुकदमात जो बहाल हुए हैं उनकी अबूरी जमानतें, ये बड़ा खुशाइन बात है, इससे उनकी डिटेंशन और कन्फाइनमेंट सब्सटेंशियली कम हुई और कटेल हुई है। थैंक यू। सलमान, ये कहा जा रहा है कि खान साहब ने आज की कार्रवाई को एक्सेप्ट नहीं किया, दस्तखत नहीं किए, इसकी क्या कानूनी वजूहत हैं? देखिए, वो जब मामला जेल ट्रायल, खान साहब एक चीज चाहते हैं जो कि जायज बात है, ट्रायल रेगुलर कोर्ट में हो, ओपन कोर्ट में हो, जेल में ना हो,
फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनाने वाली है इस पर, तो तब तक जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला ना दे दे तब तक जल्दबाजी में आगे बढ़ना मेरा ख्याल है वो मुनासिब।